कक्षा 12 की इस कक्षा में एक बार फिर से मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोग आए पढ़ने के लिए, यानी ये एक छोटी सी बात करें प्रचार के अपने, तो कह सकता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगता है आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो अपने सभी और भी परिचितों तक जो आपके विद्यालय में शायद ना पढ़ते हैं उन्हें भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी कुछ पढ़ सकें। मैं आपके लिए हिंदी की क्लास में पवन दूतिका का 9वां अंक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पवन दूतिका के 22वें और 23वें छंद का पठन पाठन करेंगे। ध्यान दीजिए, कल हमने पढ़ा था कि श्री राधा ने उस हवा से कहा कि हे हवा, तू मथुरा में जाना। तो जब कृष्ण कहीं बगीचे बगीचे में बैठे हों तो कोई कमल का फूल बार बार पानी में डुबाना, शायद उन्हें मुझे वो कमल देख कर याद है कमल की फुनकुड़ी से कि मेरे नेत्र जो कमल की तरह है ये भी आंसुओं में डूब रहे हैं। कहते हैं कोई कदम्ब का फूल दिखा देना कि जैसे उसके रोएं खड़े हैं ऐसे ही रोमांच से मेरे रोएं भी खड़े हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो कहती हैं, राधा कहती हैं कृष्ण के वियोग के कारण इतना उनका शरीर दुर्बल सा कमजोर पड़ गया, हमेशा कांपता है, शरीर जो है क्लांत हो गया, थका हुआ सा है, परेशान है, जो कांपता है, तो उनके कांपने को कैसे हवा दिखाएगी। फिर चिंता ने उनके मन पर अधिकार कर लिया है, हमेशा चिंतित रहती है, मन उनका चिंताग्रस्त है, उसकी सूचना हवा कैसे देगी। और राधा कृष्ण के विरह में जो बहुत दुर्बल बहुत कमजोर हो गई है, मलिन सी हो गई, मुँह सूख गया है, दुर्बल सी हो गई है, देख कर लगे कि पीलिया हो गई है ऐसे कुछ, तो ये सब कैसे दिखाना है। तो देखिए पढ़ते हैं, 22वां छंद पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहती हैं बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होने उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना और प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। ध्यान दीजिएगा, राधा कहती हैं कि हे हवा, यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण किसी बिटप के, जैसा कि आप देख सकते हैं सप्तार्थ में मैंने लिखा है, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हों, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हों, तो तू एक काम करना, जो उनकी आंखों के सामने ही कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले जाना, उनके नेत्रों के सामने जो उस पेड़ का कोई पत्ता कोई टहनी डाली हो तो किसी एक पत्ते को हिलाते रहना। अब आप देखिए आप ऐसे बैठे हैं, सामने बहुत से पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो आपके ठीक सामने हो ऐसी कोई डाल अचानक हिलने लगे, कोई पत्ता ही कांपने लगे, खड़खड़ाने लगे, तो आप चौंक कर उसको देखेंगे। तो वही तरीका है कि अगर हवा पत्ते को बार बार हिलाएगी तो कृष्ण उस पत्ते को देखेंगे। तब कहती है हे हवा, इस तरह से प्यारे को विदित करना, मैंने देखिए लिखा है विदित का मतलब होता है ज्ञान, उनको विदित करना मतलब यह ज्ञान करा देना या उनको यह बताने का प्रयास करना, चातुरी से दिखाना, चातुरी मतलब होता है चतुराई, ठीक है। कहते हैं इस तरह उनको ज्ञान कराना, अपनी चतुराई से दिखा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, ये चिंता से विजित हो गया, चिंता ने इसको जीत लिया है, मेरे मन पर चिंता ने अधिकार कर लिया, तो चिंता द्वारा जीता गया मेरा यह मन क्लांत होकर परेशान होकर कांप जाता है, हमेशा भय से कांपता रहता है, कृष्ण के वियोग में जो मेरा मन चिंता से आतुर होकर कांपता है, शायद वो उस पत्ते को हिलता हुआ देखकर ऐसा सोचे कि शायद राधा का मन भी भयभीत होगा ऐसे ही। देखिए ये अतिशयोक्ति है, कल्पना की पराकाष्ठा है, शायद ऐसा हो सकता था या हुआ भी हो, लेकिन ये हरिओम जी की कल्पना ही कह सकता हूँ। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधा जी कहती हैं कि हे हवा, यदि श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे या फिर जिस किसी पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ का कोई एक पत्ता उनकी आंखों के सामने बार बार हिलाते रहना, उसको देखकर इस तरह उन्हें दिखाकर यह ज्ञान कराना, अपनी चतुराई से उन्हें यह दिखाने का प्रयास करना कि जैसे वह पत्ता कांप रहा है ऐसे मेरा मन अर्थात राधा का मन चिंता से व्याकुल होकर के कांपता रहता है,
ऐसे ही राधा का चित्त भी कंपायमान रहता है। एक बार मैं इसका केवल भावार्थ पढ़ता हूँ, आप सुनिए। कहते हैं, हे हवा, श्री कृष्ण जिस किसी भी पेड़ के नीचे बैठे हों, उस पेड़ का जो पत्ता भी उनके नेत्रों के सामने हो, तुम उसे बार बार हिलाना, जिसे कृष्ण का उस पर ध्यान जाए, और उस पत्ते को हिला करके तू अपनी चतुराई से उनको यह ध्यान करा देना कि जैसे वह पत्ता कांप रहा है, ऐसे ही चिंता से आतुर होकर मेरा मन भी कांपता रहता है। ठीक है, फिर अगला श्लोक हम लोग बात करते हैं। कहते हैं, सूखी जाति मलिन लतिका राह धर्म योगी। देखिये, धरा था धरती, लतिका माने कोई लता, कोई बेल, इसको भंवर कहते हैं हम लोग। आप देखिए, कोई फूल हाथ में लीजिए, कोई गर्मी हो रही है, ध्यान दीजिए, कोई फूल लीजिए, उसको ऐसे एक बार हाथ में ऐसे मसल लीजिए, फिर देखिए उस फूल का क्या रंग है। ये फूल ताज़ा सुंदर दिखाई देता है, एक बार के मसलने से वो बेकार। ऐसे ही एक लता जो जमीन में पड़ के सूख गई हो, आधी सूखी हो, सूखी जाती मतलब तो पूरी सूख न गई हो, सूख रही जो जमीन पर पड़ी, सूख रही हो, ऐसी लता को दिखाना है कृष्ण को, ऐसी बेल दिखानी है। कहते हैं, सूखी जाति मलिन लतिका, मलिन माने जो मैली हो गई, जो कमजोर। आप देखिए फूल को जैसे ऐसे कीजिए, कोई लता कोई पत्ता लेकर ऐसे मैं उसको आप मर्दन कीजिए, मलिए इसे आप पर, तो क्या होगा कि तुरंत मलिन हो जाएगा। तो ऐसे ही लता अगर जमीन पर पड़ी है, बार बार लोग आए रहें, फूल वगैरह हो, या कोई लता पैरों के नीचे पड़ेगी धूल मिट्टी में, वो सूख जाएगी, मलिन होगी। तो राधा कहती है, अगर कोई मलिन और सूखी हुई लता धरती पर कहीं भी पड़ी हो, जो कोई सूखी जाति मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, हे हवा, अगर धरती पर कहीं कोई मलिन और सूखी हुई लता पड़ी हुई हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना। भाई चूंकि हवा है, छोटी मोटी लता को उड़ा लेगी, ला करके कृष्ण के पैरों में डाल देगी, अचानक चौंक के देखेंगे कि ये क्या है। शायद उस हवा को जब वो देखें तो देखिए, इस लता के द्वारा सीधे भाव प्रकट हो जाएगा। पत्ते को देखकर शायद सोचना पड़े, लेकिन लता तो हाथ में आ गई, पैरों तक तुरंत याद आए। कभी यो सीधे से प्रकट करना, सीधे सीधे यह भाव उस लता से प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, श्री कृष्ण के प्रीति से अर्थात उनके प्रेम से वंचित होकर, दूर होकर, उनका प्रेम जो छिन गया है, वही वंचित होना तो अलग हो जाना, दूर हो जाना। कहते उनके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहते हैं इस तरह वो ये भाव सीधे से दिखा देना कि श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के, दूर होकर के, मैं भी उसी लता की तरह निरंतर मलिन होती जा रही हूँ और सूखते नित्य जाना, जैसे वो लता धीरे धीरे सूख रही है, ऐसे मेरा शरीर भी सूख रहा है। धीरे धीरे मैं दुर्बल हो रही हूँ, मेरा शरीर मलिन हो गया, मुख की कांति जो चेहरे पर तेज था वो सब समाप्त हो रहा है, इसलिए उनसे कहना, इस तरह उनको लता दिखाना, शायद मुझे मेरी याद आए और वो वापस आ जाए। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, राधा कहती है, हे हवा, यदि कोई सूखती हुई मलिन हो चुकी मैली हुई कोई लता कोई बेल धरती पर कहीं पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लता को लाकर श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना, इस तरह सीधे सीधे ये भाव प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर, दूर रह करके मेरा होना अति मलिन। राधा कहती है, मेरा शरीर भी अत्यधिक मलिन हो गया है, मेरा तेज भी मंद पड़ गया है, और सूखते नित्य जाना, मेरा शरीर दुर्बल होता जा रहा है। ध्यान से देखिए, कहती हे हवा, अगर कोई सूखी हुई लता कहीं धरती पर पड़ी हो, तो उसे लाकर श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना, और उस लता के माध्यम से सीधे सीधे यह भाव प्रकट करना कि कृष्ण के प्रेम से वंचित होने के कारण मेरा शरीर अत्यधिक मलिन और दुर्बल होता जा रहा है, सारी शक्ति क्षीण हो गई है कृष्ण के वियोग में, इसलिए लता से शायद उन्हें मेरी याद आ जाएगी। सौंदर्य इसका जो काव्य का है वो मैंने बताया ही था, विभिन्न उपायों से वो वियोग अपना दिखाना चाहते हैं, तो वियोग श्रृंगार है, मंदाक्रांत का छंद और खड़ी बोली हिंदी में प्रबंध काव्य की प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार आपके अनुप्रास हैं, बाकी का कुछ विशेष नहीं इसमें दिया गया, कोई शब्द नहीं आया है जिससे अलंकार कुछ अधिक स्पष्ट हो जाए। वियोग में, वियोग श्रृंगार में साधारणतः ऐसे कोई चमत्कारिक अलंकार बहुत प्रायः कम ही लोगों ने प्रयोग किया, तुलसीदास जैसे परम
धुरंधर कवियों ने किया है। साधारणतया आधुनिक काल के कवियों ने अलंकारों को विशेष महत्व न देकर के रसों को ही केवल दिया है, तो रसों का महत्व है इसमें। वियोग श्रृंगार है अनुप्रास अलंकार में लिखा हुआ मुंडा क्रांता छंद कोमल लूटिका के अगले अंक के साथ फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो भी समस्या हो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, जय श्री।